आज हम बताने वाले हैं आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट यूज टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। परेशान हो, वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तो जान लो कि वो कितने तरह की होती है और किस किस सॉफ्टवेयर में आप कोशिश कर सकते हैं उसको सीखने की। हमने कुछ पावर डायरेक्टर और यूट्यूब पे भी एडिटिंग बताई है, तो वो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। और हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है पावर डायरेक्टर के एडिटिंग का, तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी आज हम बताने चल रहे हैं कि कितने तरह के वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग इंक्लूड्स कटिंग सेगमेंट्स, दैट मीन्स ट्रिमिंग, रीसीक्वेंसिंग क्लिप्स, एडिंग ट्रांजिशंस, अदर स्पेशल इफेक्ट। अब एडिटिंग में तो बहुत कुछ आता है, ट्रिमिंग आती है, वॉइस को चेंज करना, वीडियो को एडिट करना, ऑडियो को एडिट करना, उसकी रीसीक्वेंसिंग करना, ऑडियो वीडियो की मैचिंग करना, उनके ट्रांजिशन करना, उसमें इफेक्ट लगाना, और वही बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहले ये जानेंगे कितने तरह की वीडियो एडिटिंग होती, फिर प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे कि क्या क्या हम एडिट कर सकते हैं। हम कुछ एडिटिंग के वीडियो हमने बनाए, वो आप देख लीजिएगा और आगे जो डिमांड करिएगा कमेंट में उसके हिसाब से वीडियो एडिटिंग के वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने तरह के वीडियो एडिटिंग हो सकती है। पहला है लीनियर वीडियो एडिटिंग। लीनियर वीडियो एडिटिंग यूजेस वीडियो टेप एंड इज एडिटेड इन अ वेरी लीनियर वे। सेवरल वीडियो क्लिप्स फ्रॉम डिफरेंट टेप्स आर रिकॉर्डेड टू वन सिंगल टेप इन द ऑर्डर दैट दे विल बी अपीयर। ढेर सारे टेप आप क्लिप्स बनाते हैं और उसको एक सीक्वेंस में जब आप अरेंज कर देते हैं और एक वीडियो बनाते हैं उसका, तो वो वीडियो के क्लिप्स जो होते हैं वो लीनियर वीडियो एडिटिंग में आता है। नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, इट्स अलाउ वीडियो टू बी एडिटेड ऑन अ कंप्यूटर विद अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। दिस प्रोसेस इज नॉट डिस्ट्रक्टिव टू द रॉ वीडियो फुटेज and is done by using programs such as DaVinci Resolve, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro and Final Cut Pro. जिसमें से Adobe Premiere Pro बहुत ही अच्छा है, जिसको यूज करके आप नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी क्लिप कहीं पर भी लगा सकते हैं और जो ओरिजिनल वीडियो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आप उससे काम कर पाइएगा। Offline editing. Offline editing is the process by which raw footage is copied from an original source without affecting the original film stocks or videotape. Once the editing is completed, the original media is then reassembled in the online editing stage. जब आप offline editing करते हैं तो आप different sources से आप अपने video को लेकर के एक film के stock से लेकर के वीडियो टेप करके उसको आप अरेंज कर सकते हो, जिससे ओरिजिनल वीडियो जो होता है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होता है और आप मिक्सिंग करके रीअसेंबल करके अपने वीडियो को ऑफलाइन बना लेते हैं, जो कि प्रिपेयर हो जाता है ऑनलाइन एडिटिंग के लिए। अब ऑनलाइन एडिटिंग क्या होती है? ऑनलाइन एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीअसेंबलिंग द एडिट टू फुल रेजोल्यूशन वीडियो आफ्टर एन ऑफलाइन एडिट has been performed. It is done in the final stage of the video production. तो video production में जब offline हम video edit कर लेते हैं, अब मान लीजिए उसका volume कम है तो online जाके volume बढ़ा लेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे software हैं जो आपके volume को बढ़ा देते हैं। जो आपके phone में अगर volume नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा tape हुआ है PC पे, laptop पर या फ़ोन में, तो वो ऑनलाइन जाकर आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। आप कुछ पोर्शन को ट्रिम कर सकते हैं, आप कुछ पोर्शंस को, दो वीडियोस को ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन, आप वीडियो में साउंड के इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, आप वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, आप वीडियो को स्मॉल कर सकते हैं कंप्रेस करके। तो इस तरह से ऑनलाइन बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। Cloud-based editing is the process of utilizing the internet to work with the content remotely, collaboratively or
often time-critical nature, such as editing of live sports event in a real-time using video proxies, lower resolutions copies of original material. अब आप स्पोर्ट्स इवेंट्स या रियल टाइम एडिटिंग जब वीडियो की प्रॉक्सी सर्वर पे होती है तब उसके क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत काम आता है और उससे जो लो रेजोल्यूशन की वीडियो होती है उसको आप उसका ओरिजिनल मटेरियल यूज करके उसको हाई रेजोल्यूशन और अच्छे तरह से प्रोसेस करके एडिट करके वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से ऑनलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आया विजन मिक्सिंग। Vision mixing is used when working with a live television and video production environment. A vision mixture is used to cut live feed coming from several cameras in real time. अब real time जैसे कोई song आपका video बन रहा है तो बहुत से कैमरे लगे होते हैं और उसमें जिसकी क्लिप सबसे अच्छी होती है जिस कैमरे की जो जो क्लिप सबसे अच्छी होती है उसको मिला करके वो बना लिया जाता है। तो उसमें जो बहुत से टाइमलाइन में ट्रैक होते हैं साउंड का अलग ट्रैक होता है वीडियो का अलग ट्रैक होता है ऑडियो का अलग ट्रैक होता है और सबकी मिक्सिंग करके एक अच्छा सॉन्ग या एक अच्छा टेलीविजन प्रोग्राम बनाया जाता है। तो कई रीटेक होते हैं कई उसमें कैमरे यूज होते हैं उसमें कई साइड से पिक्चर ली जाती है वीडियो ली जाती है और उसको हम मिक्सिंग करके सॉन्ग बनाते हैं या टेलीविजन के प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया हमें होना चाहिए। हम लोग तो केवल फ़ोन और पीसी पे ही काम करते हैं लेकिन जो बहुत एडवांस फिल्म और टेलीविज़न या सॉन्ग के प्रोडक्शन में काम होता है वहाँ पर बहुत हाई लेवल पे काम होता है बहुत अच्छे माइक्स बहुत अच्छे पीसीज लैपटॉप और बहुत अच्छे कैमरे यूज़ होते हैं जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये तो वीडियो मिक्सिंग विजन मिक्सिंग जो होती है वो बहुत ही हाई वर्क के लिए आप काम करते हैं जब तब ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर और अगर आपको बहुत डिटेल में वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप मेरे वीडियो एडिटिंग वाले YouTube एडिटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर YouTube से भी एडिटिंग बताई है और वहाँ से पावर डायरेक्टर से भी एडिटिंग बताइए कि कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। पावर डायरेक्टर इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर प्रीमियर सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा बहुत से लोग जो जिनकी आई साइट अच्छी है वो काइन मास्टर मोबाइल पर यूज़ करते हैं लेकिन अगर आपके पास टैब है तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। काइन मास्टर इज ऑल्सो गुड और मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत लोगों को पता होगा कि इस पर किस चीज़ पे एडिटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिस पे एडिटिंग की जा सकती है लेकिन जनरली लोग काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर या प्रीमियर प्रो ही यूज़ करते हैं क्योंकि ईजी टू हैंडल है। अभी हमें एक सॉफ्टवेयर मिला है कि ईजी हाउ टू मेक ईजी वीडियो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसमें आप सॉफ्टवेयर वीडियो बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं लेकिन वो पेड वर्जन है और फ्री वर्जन नहीं है। तो अगर आपको बहुत एडवांस करना है फिल्मोरा है बहुत एडवांस कम करना है तो आपको पेड वर्जन ले लेना चाहिए क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटी होती है जो आपकी फ्री वर्जन में नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। किसी ने हमसे पूछा था कि मैम कैसे वीडियो किस सॉफ्टवेयर में कितने तरह से एडिटिंग होती है और किस सॉफ्टवेयर में करें इसलिए हमने ये वाला वीडियो बनाया। इसका शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया था लेकिन हमने कल और डिटेल में बता दी। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर and follow my all social media link join my telegram channel tech rakhan thank you।